लाहौल स्पीति में बादल फट गया है। बादल फटने से लाहौल स्पीति में भारी तबाही आ गई। लाहौल स्पीति में कई घर बह गए हैं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। लाहौल स्पीति में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लाहौल स्पीति की पिन घाटी में बादल फटने के बाद पानी मुसीबत बनकर नीचे आया। ये बादल फटने के बाद की तस्वीर है। चारों तरफ सिर्फ पानी और पत्थर दिख रहे हैं। बादल फटने के बाद आई बाढ़ की चपेट में कई घर आ गए। मलबे में कई गाड़ियां दब गई। एक महिला भी मलबे में दबी दिखी। रेस्क्यू टीम ने महिला को मलबे से बाहर निकाला। सूचना के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पूरी रात एनडीआरएफ की टीम ने मलबे और पत्थर को हटाया। स्पीति में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 6 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने जारी किया है बारिश का येलो अलर्ट। तूफान और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और बाढ़ बारिश से काफी नुकसान हुआ है। हिमाचल में बाढ़ से अभी तक 6 लोगों की मौत हुई है। 47 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसी बादल फाट तबाही के बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में 6 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने हिमाचल के 10 जिलों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के समेज गांव में बादल फटने की घटना के बाद सीएम सुक्खू ने इलाके का दौरा किया और आपदा प्रभावितों के लिए तत्काल राहत पैकेज का ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश के समेज गांव में हुई त्रासदी के बाद हर तरफ तबाही का मंजर है। न सिर्फ लोगों के आशियाने उजड़ गए बल्कि उनके अपने भी अब तक लापता है। आपदा ने बच्चों को भी नहीं बख्शा। सीएम सुक्खू ने समेज में प्रभावितों से मुलाकात कर न सिर्फ मुआवजे का ऐलान किया बल्कि उनके टूटे घरों को दोबारा बनाने का भी आश्वासन दिया। नहीं, सारा किराया 3 महीने तक जब तक हम उनको आपदा राहत बरसात खत्म नहीं हो जाती हम देंगे। 50,000 रुपया उनको अभी घर के जो अपने कपड़े या खरीदने के लिए वो हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं।